आज कैथल चिका के लक्ष्मी पैलेस में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ साथ करनाल से प्रदेश महामंत्री एडवोकेट बेतपाल भी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। थानेसर विधानसभा का दौरा करते हुए नायब सैनी का कुछ गाँव में विरोध हुआ था। गाँव वासियों ने काले झंडे दिखाए थे, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा कहीं पर विरोध नहीं हुआ, कुछ स्वार्थी तत्व है जो ऐसी झूठी वीडियो डालकर मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, लेकिन मुझे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरा नहीं कोई विरोध नहीं हुआ, ये जो कुछ मेरे ख्याल से फेसबुक या कोई होगा किसी ने किया, वहां पर आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, अखबार के अंदर देख लीजिए, जो हमारे पत्रकार भाई थे वो पत्रकार भाई गांव में गए, गांव के अंदर बाकायदा ये बात कही गई कि यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई शरारती तत्व था, उस शरारती तत्व ने एक रूमर बना करके, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, पर उस मुद्दे को उछालने का काम किया और वहाँ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। पहले उन्होंने खिरमच के अंदर इस प्रकार की बात कहकर के अफवाह फैलाई, क्योंकि आज जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, विपक्ष बौखला चुका है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।